एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लैब। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कार चालक ने 5 लोगों को मारा, हमला करने वाला गिरफ्तार, जेल जाएंगे नितेश राणे। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। पालघर जिला चिचनी बीच पर एक कार चालक द्वारा कई लोगों को कुचलने की घटना सामने आई है। इस घटना में 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और एक महिला की मौत हो गई है। सभी लोग बोईसर के बताए जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस होने के कारण चिंचनी में समुद्र के किनारे बीच पर बड़ी संख्या में लोग सैर सपाटा और घूमने के लिए आए थे। यह कार चालक भी अपने एक दोस्त के साथ बीच पर घूमने के लिए आया था और बीच सामने से आ रही एक स्कूटी को बचाने की कोशिश कार चालक अपना और बीच में सामने से आ रही एक स्कूटी को बचाने की कोशिश कर रहे कार चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया। तेज स्पीड से कार पास के एक स्टॉल पर बैठे लोगों को रोंदते हुए स्टॉल में जा घुसी। इस घटना में एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और करीब 5 लोग घायल हो गए। अगली खबर, ठाणे पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने 3 साल पहले युवक पर जानलेवा हमला कर फरार हुए मुंबई महानगर पालिका के सिपाही को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी को श्रीनगर पुलिस के हवाले किया गया और न्यायालय ने उसे 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। अभिषेक को उसके पिता की जगह अनुकंपा पर वर्ष 2015 में नौकरी मिली थी। वह महानगर पालिका के मुंबई CST स्थित कार्यालय में सिपाही के पद पर कार्यरत था। पुलिस के अनुसार वर्ष 2019 में अभिषेक ठाणे के बागले स्टेट परिसर में किसी अपराधी को खोज कर रहा था। उस समय उसका पता न बताने पर उसने गुस्से में एक युवक पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया था और उसके बाद से वह फरार था। पुलिस को उसके मुंबई महानगर पालिका में कार्यरत होने की खबर लगी थी, जिसके बाद जाल बिछा कर उसे धर दबोचा। सीनियर PI सयाजी शिंदे और PI संजय शिंदे के मार्गदर्शन में API जगदीश मुलगीर की टीम ने कार्यवाही की। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को सिंधुदुर्ग जिले में दर्ज हत्या की कोशिश के एक मामले में 10 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे को गिरफ्तार नहीं करने का गुरुवार को निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश NV रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए उन्हें 10 दिन के भीतर निचली अदालत में समर्पण करने का निर्देश दिया और इस मामले में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।